hello students and welcome to Roshi's education point today we will be starting with your long man new images or comprehensive course in English For class 2 chapter 2 today we will be doing and the name of the chapter is the two sculptors and the theme of this chapter is art and culture. before starting let us look at the word for today that is sculptures a sculpture is a statue. इट इज़ मेड ऑफ़ क्ले स्टोन वुड और मेटल पीपल हु मेक स्कल्पचर्स आर कॉल्ड स्कल्प्टर्स स्कल्प्चर का मतलब होता है स्टैच्यू ये स्टैचूज या तो क्ले से बने होते हैं स्टोन से बने होते हैं वुड से बनते हैं या फिर मेटल से बनते हैं और जो लोग इन स्कल्प्चर्स को बनाते हैं उन्हें स्कल्प्टर्स कहते हैं इन द क्रॉस कनेक्ट वी हैव स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ फेमस पीपल और टू डेकोरेट बिल्डिंग्स एंड पब्लिक प्लेस अ फेमस स्कल्पर वी कैन सी ऑन आर बैंक नोट्स आर द लाइन्स फ्राम द पिलर्स ऑफ अशोका हमारा ये जो नेशनल एम्बलम है लाइन ऑन द पिलर ऑफ अशोका ये हमें हमारे बैंक नोट्स पर मिलते हैं ये भी एक स्कल्पचर है स्कल्पचर्स फेमस पीपल की बनती है या फिर इसलिए बनती है ताकि किसी बिल्डिंग को डेकोरेट किया जा सके किसी पब्लिक प्लेस को डेकोरेट कर सके रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स विद डिफरेंट क्वालिटीज अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये दो ऐसे फ्रेंड्स के बारे में है जिनकी क्वालिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं वंस अपॉन अ टाइम दे आर लिव्ड अ काइंड किंग एक बार की बात है एक बहुत ही काइंट किंग रहता था हिज सब्जेक्ट्स लवड हिम वेरी मच सब्जेक्ट्स का मतलब उसके कंट्री में रहने वाले लोग उससे बहुत प्यार करते थे इन हिज किंगडम देअर लिव्ड टू स्कल्प्टर्स स्कल्प्टर्स वो होते हैं जो स्कल्पचर्स बनाते हैं तो उनका जो किंगडम था उनका जो राज्य था उनमें दो स्कल्प्टर्स रहते थे दे वर कॉल चंद्रा एंड लक्ष्मण उनके नाम थे चंद्रा और लक्ष्मण द किंग लाइक देयर वर्क एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम जो किंग थे उन्हें दोनों का काम काफ़ी पसंद आता था वन डे द किंग डिसाइडेड टू अरेंज अ कॉम्पिटिशन टू फाइंड आउट द बेटर आर्टिस्ट अब एक दिन राजा ने एक कंपटीशन रखने का सोचा जिससे ये पता लग सके कि दोनों में से सबसे अच्छा आर्टिस्ट कौन है चंद्रा वॉज वेरी मीन चंद्रा बिल्कुल अच्छा नहीं था बहुत मीन था फेयर भी नहीं था आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण सम हाउ ही थाट चंद्रा ने सोचा मुझे लक्ष्मण को कैसे भी हराना तो पड़ेगा

लक्ष्मण वॉज़ अ काइंड मैन ही ग्लैडली गेव हिज टूल्स टू चंद्रा लक्ष्मण तो काफ़ी अच्छा था तो उसने खुशी खुशी अपने टूल्स चंद्रा को दे दिए चंद्रा यूज द टूल्स सो रफली दैट दे सून बिकेम ब्लंट चंद्रा ने इतने रफ तरीके से यूज़ करे उसके टूल्स कि वो बिल्कुल भी शार्प नहीं रहे बिल्कुल फ्लैट हो गए रफ हो गए नेक्स्ट डे चंद्रा एंड लक्ष्मण रीच्ड द किंग्स कॉट चंद्रा क्विकली रिटर्न द टूल्स टू लक्ष्मण नेक्स्ट डे चंद्रा और लक्ष्मण दोनों राजा के कोर्ट में पहुँचे वहाँ पर चंद्रा ने लक्ष्मण को उसके टूल्स रिटर्न कर दिए लक्ष्मण वॉज शॉक्ट टू सी हिज टूल्स आई थिंक आई शुड विदड्रॉ फ्राम द कॉम्पिटिशन थाट लक्ष्मण बट इट वॉज टू लेट लक्ष्मण तो शॉक हो गया उसके टूल्स देख के तो एकदम खराब हो गए उसने सोचा मैं कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो जाता हूँ लेकिन अब बहुत लेट हो चुके थे हम राजा के सामने पहुँच चुके थे अब तो हम वापस से भी नहीं जा सकते हैं यू हैव टू मेक ऑफ ने, हेरल्ड होते हैं जो राजा के वो officials होते हैं, जो अनाउंसमेंट्स करते हैं कोर्ट में उन्होंने बोला कि आपको राजा का बस्ट बनाना है यानी कि राजा का हेड बनाना है बट यू टू विल हैव टू एक्सचेंज योर टूल्स अब एक और शर्त रखी आपको अपने टूल्स से नहीं बनाना है एक दूसरे के टूल से बनाना है अ स्कल्पचर कैन वर्क बेस्ट विद हिज ओन टूल्स अ ग्रेट स्कल्पचर इज़ वन हु कैन वर्क विथ एल्स टूल्स अब उन्होंने ये बोला कि एक स्कल्प्टर अच्छा होता है अगर वो खुद के टूल से काम करे लेकिन वो सबसे बेस्ट कब होगा जब वो किसी और के टूल से भी सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा चंद्रा वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस लक्ष्मण क्विकली टुक चंद्राज टूल्स एंड गेव हिम हिज टूल्स चंद्रा तो शौक हो गया क्योंकि उसने लक्ष्मण के टूल्स को बिल्कुल रफ़ तरीके से यूज़ करा था लक्ष्मण ने जल्दी से अपने टूल्स चंद्रा के टूल्स के साथ एक्सचेंज कर लिए यूजिंग चंद्राज टूल्स लक्ष्मण काफ्ट हिज स्कल्पचर इजीली बट चंद्रा कुड नॉट वर्क विद लक्ष्मण टूल्स चंद्रा ने चंद्रा के टूल्स को यूज़ करते हुए लक्ष्मण ने बहुत ही आसानी से राजा का स्कल्पचर बना दिया था लेकिन चंद्रा ऐसा नहीं कर पाया लक्ष्मण के टूल्स की मदद से ओह वाटर फूल आई हैव बीन आई हैव बीन पनिश्ड फॉर बींग मीन अब चंद्रा खुद ही से सोच रहे हैं थॉट चंद्रा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं मतलब ही हो रहा था इस वजह से ही मुझे शायद ये पनिशमेंट मिली है लक्ष्मण वन द कॉम्पिटिशन ईजीली द किंग रिवॉर्डेड हिम वेल चंद्रा लॉस्ड बिकॉज ऑफ हिस्स फोली एंड जालसी लक्ष्मण ने कंपटीशन जीता किंग ने उसे बहुत सारा रिवॉर्ड्स दिया चंद्रा ये कंपटीशन उसी की बेवकूफी और उसी की जालसी की वजह से हार गया सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इट इफ आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग